सॉरी मंकर। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज। चुप क्यों मंगल? बोलो ना, तुमने मुझे माफ किया मंगल? हेलो, मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हो? सॉरी। सॉरी से पेट भरो या कुछ नाश्ता भी मिलेगा? सॉरी सॉरी। कॉफी कहाँ मिली? कभी कॉफी टाइम पर मिलेगी मुझे? मंगल, अदित के लिए गर्म कॉफी लेकर आओ। जाओ जल्दी, जल्दी करो। गायत्री। क्या हुआ? पानी पानी हो गई? अब जाओ, हमारे लिए पानी लेकर आओ। ये कहां से आया? मेरे बेटे की हर एक चीज मुझसे पूछ के बदली जाएगी। तुमने कॉफी मग क्यों बदला? माता रानी, अब आज फिर से किसकी शामत आ गई? इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। मैम साहब, ऐसे मत बोलिए। वो संजना मैडम ने कहा था ये कब बदलने के लिए। मेरे बेटे का कोई भी काम हो मुझसे पूछ कर किया जाएगा, संजना से नहीं। उसका कॉफी मग हो, उसका खाना हो या फिर उसके कपड़े, सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी, कोई और नहीं। कोई और कर ही नहीं सकता। हाँ लक्षु। दीदी, टाइम है क्या? मैंने कविता लिखी है, सुनाओ। हाँ सुना ना। एक मिनट, कुछ खरीदारी करके आ रही थी, घर पहुंच कर फोन करूं? ठीक है, लेकिन दीदी याद से फोन करिएगा। हाँ दीदी, जब तक आप मेरी कविता ओके नहीं करती ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ पाती। और अगर मैं नहीं रही तो? दीदी क्या हुआ? बुद्धू, मेरा मतलब था कि मैं बिजी हुई। क्या दीदी शादी हो गई? फिर कहाँ मिलेगी मंगल दीदी? फिर अब तो पति को सुनाना। दीदी तब भी आप ही को सुनाऊंगी। मेरी शादी करवा के आप मुझसे बच नहीं सकती। और क्या पता अगर मेरे ससुराल में किसी को मेरी कविता सुनना पसंद ना आए या मेरा लिखना पसंद ना आए तो? दीदी अगर मेरी सास खड़ूस हुई तो? चुप चुप बोल लक्षु, तेरी सास बिल्कुल अम्मा जैसी होगी। तेरी कद्र करेगी, हर बात पर तेरा साथ देगी, बाकी हर कमी पूरी कर देगी। गायत्री, शांत हो जाओ। गायत्री इतना गुस्सा क्यों? काम वाली तो नहीं है, उसे कैसे पता होगा कि कार्तिक का सारा काम तुम करती हो? अच्छा एक बात बताओ, कार्तिक घर पे है? तो मुझसे दूर सही, इस गाने में जो फीलिंग है उसे मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। सीधा दिल तक जानी चाहिए धुन। तो मुझसे दूर सही पर दिल के पास, हर दिन वो बढ़ रही। तो मुझसे दूर सही। अरे ये क्या कर रही हो तुम? थोड़ा सा तो फटा है, इतना क्यों उखड़ रहे हो? I'm so sorry चिया, मुझे लगा कि पूरा फट गया। सॉरी। तुम इसमें ऐसे खो गए जैसे कोई प्यार में खो जाता है। पागल हो तुम? इसे ध्यान से देखो, कितना अच्छा लिखा है किसी ने। कोई तो बात है इसमें जो मेरे दिल को छू गई।
वाले हो? तुम पर किसी जादू तो नहीं किया ना? जादू? अगर ये किसी लड़की ने लिखा है और तुमको अगर ये इतना पसंद आ रहा है तो मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। अगर उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया तो? तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। देखो गायत्री, कार्तिक की पूरी दुनिया हो तुम, वो तुम्हारी हर बात मानेगा और तुम्हें बिना पूछे कभी भी किसी भी लड़की के लिए हाँ नहीं बोलेगा। अब हमारे अदित को ही देख लो, अगर हम जरा सा भी नाराज हो जाते हैं ना तो बेचैन हो जाता है वो। जीजी, बहुत घबराहट होती है ये सोच करके कि कार्तिक अगर मुझसे अलग हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जीजी, ऐसा कुछ नहीं होगा गायत्री, खुद को संभालो, बीती बातें भूल जाओ, मत याद करो सब कुछ। अब इतने साल हो गए, वो सब पुरानी बातें, अब फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो अब इसे रख दो, इंग्लिश की बुक निकालो। मैं देखती हूँ आप इंग्लिश का होमवर्क करो। मम्मा मम्मा, पहले इंग्लिश की बुक निकालो, बाद में जाना ससुर करने। नमस्ते। पहले इस घर में मेरे कितने सारे दोस्त आते थे, कितनी पार्टियां होती थी, शादी के बाद सब कुछ बंद। इसे लेकर जाओ अपने दोस्तों के साथ, जिसे बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का सलीका ही नहीं, अपना मजाक उड़ाओ। हेलो 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 हेलो, आप लोग अंदर आइए ना, अंदर आइए। आओ ना, आओ प्लीज, कम इन, आओ, आइए आइए। अरे बैठो ना बेटा, सबको हेलो बोलो। हाय अंकल, हाय आंटी। हेलो बेटा। हेलो बेटा। ये मेरा बेटा है अक्षत। अरे वाह आदि, कितना बड़ा हो गया है अक्षत। आप ऊपर जाकर पढ़ो। अक्षत, अब हमारी मीटिंग है, ठीक है, आप ऊपर जाकर खेलना और उद्धम मत मचाना, ओके, चल। अम्मा आप आखिर, अरे हलवा क्यों बना रही हो मंगल? हलवा मत बनाओ, हमने बच्चों से कह दिया है कि हम उनको शाही टुकड़ा खिलाएंगे, चलो शाही टुकड़ा बनाओ। क्या अम्मा, पर जितना भी दूध था वो तो अक्षत ने गलती से गिरा दिया। आदित्य जी ने एक बार बता दिया होता तो? आदित्य बताए या ना बताए, हमारा इंतजाम इतना कच्चा कैसे हो सकता है मंगल? घर है, घर में सब कुछ होना चाहिए मंगल। अब हम क्या जवाब देंगे बच्चों को, हाँ क्या कहेंगे उन्हें, हमारी नाक तो कट जाएगी ना। देखो मंगल, हमें हमारी जबान से पलटना अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करो लेकिन शाही टुकड़ा तो बनेगा, करो दूध का इंतजाम। मैं पहले पानी देकर, पानी हम देकर आते हैं, तुम शाही टुकड़े का व्यवस्था करो। लो बेटा पानी। नो थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी जी। ये मंगल नाश्ता लेकर कब आएगी, लगता है फिर से अदित को नाराज कर देगी।